हेलो नमस्कार दोस्तों, 29 लाख लोगों को अब बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आयुष्मान कार्ड आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आयुष्मान कार्ड की एक एप्लीकेशन आती है जो मैं आपको स्क्रीन पर, तो दोस्तों ये है आयुष्मान कार्ड की एप्लीकेशन। आप यहां से किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आप लोगों देख लीजिए, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है इस समय। तो इसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान, साथ में अब तक 5 लाख मुफ्त इलाज। तो क्या है, कैसे है, आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स मेंशन करने होंगे, इसके बाद आपका बन जाएगा। इसकी डिटेल की वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाभार्थी और संचालक है, क्योंकि आप लाभार्थी हैं तो आप लाभार्थी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, एक OTP जाएगा, उसको सत्यापित करेंगे। आगे की प्रक्रिया आपके मोबाइल फ़ोन में दिखने लगेगा। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, कैसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनपद में अब 29,50,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। दरअसल अभी तक अंत्योदय कार्ड धारकों व अन्य पात्र समेत जो 18 लाख लोग हैं वो ये कार्ड बनाया जाना था, मगर सरकार की ओर से अब पात्र और गृहस्थी कार्ड धारकों का भी आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा कर दी गई है। CDU जो गौरव कुमार जी हैं, उन्होंने गुरुवार को इसकी समीक्षा करते हुए तेजी से कार्ड बनाने का निर्देश दिया। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी लगाए गए हैं। गाँव में कोटेदार व पंचायत सहायक भी जो हैं वो मोबाइल के ऐप से स्वयं भी बना सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको स्वयं का एप्लीकेशन अभी दिखाया, तो जो गांव के पंचायत सहायक हैं और साथ में जो पंचायत सहायक और कोटेदार हैं वो दोनों को ये बनाने का आदेश दिया गया है और दोनों लोग इसमें जुटे हैं और आपको बनाने में मदद कर रहे हैं। अगर कोई आपको नहीं बना रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पर कॉल कीजिएगा, 1076 जो CM हेल्पलाइन नंबर है, आपका बन जाएगा। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो भी आप इस पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। वैसे ये प्रक्रिया सरकार का है, एक महीने का अभियान चलाया जा रहा है, इसी के बीच आप सभी का बना दिया जाएगा। सो आप लोग बनवा लीजिएगा। अगर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसी में एक और बड़ी खबर है, जैसे इस समय प्राइमरियों में पका पकाया भोजन मिलता था, उसी तरह अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पका पकाया भोजन मिलेगा। साथ में बर्तन जो है उसकी व्यवस्था प्रधान जी करेंगे, तो ये आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं।